कर्नाटक में मंगलवार को जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए थे। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी को उसी के दो विधायकों ने झटका दे दिया। त्रिपाठी और कोल का कहना है कि उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए 7 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार का समर्थन किया। अपराध कानून बिल 2019 पर मतदान के दौरान कुल 122 विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन में वोट दिया। 230 सदस्यों के सदन में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के स्पीकर एनपी प्रजापति को मिलाकर 121 विधायक हैं। स्पीकर होने के कारण प्रजापति ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ऐसे में 120 कांग्रेस विधायकों के साथ दो बीजेपी विधायकों ने भी इस बिल पर कांग्रेस का समर्थन किया। मेहर से विधायक त्रिपाठी और ब्योहारी से विधायक कोल ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का विकास कराना चाहते हैं। दोनों बीजेपी विधायकों ने इसे अपनी घर वापसी बताया। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर कहा कि बीजेपी रोज कहती है कि हम अल्पमत की सरकार है और यह कभी भी गिर सकती है, फिर भी विधानसभा में अपराध कानून संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान दो बीजेपी विधायकों ने हमारी सरकार के पक्ष में वोट डाला। विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने सदन में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि यदि ऊपर से हमारे नंबर एक और नंबर दो नेताओं का आदेश हुआ तो कमलनाथ की सरकार 24 घंटे नहीं चलेगी। इसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि यदि इन्हें कुछ शक है तो आज ही मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कर लें। न्यूज़ डेस्क।